हेलो एवरीवन, आज हम बनाएंगे चिकन स्टेक विद चीज़ के साथ। उसके लिए हमें चाहिए ये चीज़ें, ये सोया सॉस, विनीगर, कनोर का ये एक सॉस है ये चाहिए, ब्लैक पेपर चाहिए, थोड़ा सा हमें सॉल्ट चाहिए, थोड़ा सा हमें रेड क्रश की हुई रेड चिली मिर्ची, थोड़ी सी हाफ चम्मच से भी बिल्कुल थोड़ी सी हमें चाहिए, क्योंकि ये हम अपने स्टाइल से बनाएंगे इसीलिए। अब इसमें थोड़ा सा जाएगा विनीगर। पहले हम चिकन को मैरिनेट करेंगे, इसी के साथ जाएगा सोया सॉस। इसी के साथ जाएंगे ये जो मैंने ब्लैक पेपर और नमक और ये क्रश चिली बताई थी, ये जाएंगे। अब हम इसको मिक्स कर देंगे और ये जो हमारा चिकन है इसमें हम इसको डिप कर देंगे। ये 15 से 20 मिनट के लिए हम इसको मैरिनेट करके रख देंगे। ये मैंने ली है बंद गोभी, इसमें जाएगा थोड़ा सा ब्लैक पेपर और इसमें जाएगा मेयोनीज। ये हम चिकन स्टेक के साथ सर्व करेंगे, ये उसके लिए है। थोड़ा सा डालें और इसको मिक्स करते हैं। थोड़ा सा हम इसमें जाएगा सॉल्ट डालेंगे। ओके, मिक्स कर देंगे। अब जो जो मैंने चिकन बताया था मैरिनेट किया था, वो चिकन मैंने थोड़ा सा ऑयल ले लिया है, हाफ चम्मच से भी हाफ चम्मच मैंने लिया है। अब ये वाला चिकन जो है मैं इसमें डाल दूँगी। ये देखें, और ये सॉस जो है इसके साथ ही ऊपर ऊपर डाल देनी है आपने, ताकि इसका टेस्ट अच्छा आए और हमारा चिकन भी मैंने अच्छे से गल जाए अंदर तक। अब इसको 15-20 मिनट के लिए हम पकने के लिए छोड़ देंगे। ये देखें, हमारा 5 मिनट इधर से पका है। अब हम इसको चेंज कर देंगे, अब दूसरी साइड से हम इसको पकने के लिए छोड़ देंगे। ये देखें ऐसे इसको पकने के लिए छोड़ दें। ये देखें हमारे चिकन स्टेक बन के रेडी है। ये कलर जो ऊपर आया ये हमें कलर चाहिए, और इसके अंदर मैंने ये ना छुरी के साथ ऐसे कट कराए हैं। ये देखें, ये कट आपको नज़र आ रहे हैं, ये देखें ये कट लगाए हैं। इसी के अंदर हम अपनी चीज़ को ना रख देंगे। कुछ लोग ज़्यादा चीज़ खाना पसंद करते वो ज़्यादा डाल सकते हैं। अब हम चीज़ मेल्ट करेंगे बिल्कुल हल्की आंच पे थोड़े से। ये हमारा चिकन स्टेक विद रेडी हो गया है। अब जो मैंने आपको सॉस बताई थी ये वाली सॉस मैं थोड़ी सी इसके ऊपर डालूँगी। ये थोड़ी थोड़ी डालनी है क्योंकि इसमें सॉल्ट बहुत ज़्यादा होता है। ये हमारा चिकन स्टेक्स बन के रेडी है विद चीज़। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।